इन वाक्यों पर विचार करें। तुम राम को जानते हो ना? यू नो राम, डोंट यू? वह घर गया था ना? ही वेंट होम, डिडंट ही? तुम राम के भाई हो ना? यू आर राम्स ब्रदर, aren't you? तुम मांस नहीं खाते हो ना? यू डोंट ईट मीट, डू यू? आप मेरी मदद करेंगे ना? यू विल हेल्प मी, वॉन्ट यू? तुमने ऐसा किया है ना? यू हैव डन सो, haven't you? इस प्रकार के प्रश्नों का अनुवाद इंग्लिश की दो सेंटेंसेस से बनता है, जिसमें अगर हिंदी के बीच में अगर नेगेटिव हो तो इंग्लिश के फर्स्ट सेंटेंस में भी नॉट रहता है। अगर हिंदी के बीच में नॉट नहीं हो, लास्ट में खाली ना हो, तो इंग्लिश के दूसरे सेंटेंस में नॉट यूज होता है, जो कि शॉर्ट फॉर्म वाला नॉट होता है। मतलब सारे शॉर्ट फॉर्म आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट, डिड नॉट, डिडंट, एम आई नॉट, अरंट आई। इसी प्रकार ये सारे शॉर्ट फॉर्म को आप लोग ध्यान से समझ ले और याद कर ले। नाउ आगे क्वेश्चन टेक बनाने के नियम। यदि मूल कथन पॉजिटिव हो तो नेगेटिव क्वेश्चन टेक का प्रयोग होगा, और यदि मूल कथन नेगेटिव हो तो पॉजिटिव क्वेश्चन टेक का प्रयोग होगा। जैसे यू टेक टी, डोंट यू? यहाँ पर पहले में नॉट नहीं है, तो दूसरे वाला सेंटेंस में नेगेटिव पूछा गया है, डोंट यू? यू टेक टी, डोंट यू? You don't take tea, do you? She is beautiful, isn't she? She is not beautiful, is she? Ram went home, didn't he? Ram did not go home, did he? He will help me, won't he? He will not help me, will he? I am right, aren't I? इन सारे सेंटेंस को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसमें नेगेटिव क्वेश्चन टेक का यूज़ हुआ है, और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टेक का यूज़ हुआ है। नाउ नेक्स्ट सम मोर सॉल्ड एग्जांपल्स। राम चावल खाता है ना? राम ईट्स राइस, डजंट ही? राम और श्याम चावल नहीं खाते हैं ना? राम एंड श्याम डू नॉट ईट राइस, डू दे? तुम गाते हो ना? यू सिंग, डोंट यू? तुम गाते नहीं ना हो? यू डोंट सिंग, डू यू? मैं बुद्धिमान हूँ ना? आई एम वाइज, aren't I? बच्चे कल आए थे ना? द चिल्ड्रन केम यस्टरडे, डिडंट दे? तुम मेरी मदद करोगे ना? यू विल हेल्प मी, वॉन्ट यू? लड़के स्कूल गए थे ना? द बॉयज वेंट टू स्कूल, डिडंट दे? आप अच्छे तो है ना? यू आर वेल, aren't यू? आप मुझे प्यार करते हैं ना? यू लव मी, डोंट यू? राम पढ़ सकता है ना? राम कैन रीड, कांट ही? तुमने कलम नहीं चुराई है ना? You have not stolen the pen, have you? वह सुबह से कुछ नहीं कर रहा है ना? He has not been doing anything since morning, has he? चाय में चीनी है ना? There is sugar in the tea, isn't there? इन सारे वाक्यों को ध्यान से समझे और हो सके तो याद कर ले, और दिए जा रहे इन वाक्यों का अनुवाद खुद से करे और जाने आपको कितना आया। Now next, इन सारे ब्रैकेट्स का फिलअप करें राइट आंसर्स के साथ। नाउ एट द एंड फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कीजिए और उन्हें भी सीखने का मौका दीजिए। एंड यदि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। नाउ बाय बाय, सीखते रहो।